हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट इज प्लेसेंटेशन एंड पार्ट्यूरेशन। कल हमने एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि मोरूला और ब्लास्टुला स्टेज क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। गैस्टुला क्या था, दैट स्ट्रक्चर दैट कंटेन थ्री जर्म्स लेयर विच फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन, उन्हीं से ऑर्गन्स बनते थे, ऑर्गेनोजेनेसिस होती थी। तो थ्री जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये सारा जो प्रोसेस था ये हमारा कहाँ हो रहा था, यूट्रस में हो रहा था, व्हेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन अकर। इम्प्लांटेशन के बाद आपका मोरूला पहले ब्लास्टुला में बदल गया था, ब्लास्टुला फिर गैस्टुला में बन गया था, उसी से क्या है आपकी अलग अलग ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हुए थे। हमने पढ़ा था सबसे पहला जो ऑर्गन है दैट इज हर्ट डेवलप इन द फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड। तो जब इम्प्लांटेशन हो रही है या ये सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उस टाइम जो भी नरिशमेंट थी मदर की बॉडी से, फुली डेवलप हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं बना था, वहां पर क्या था, ट्रोफोब्लास्ट आपकी एक्ट कर रही थी न्यूट्रिशन लेने के लिए, या वो बाद में कोराइन और आपके एमनियन में बदल गई थी। कोराइन क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे थे। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन को 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू फुली डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है, इट इज ए टेम्परेरी मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। और इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं। तो एट द अबाउट 10 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या हम बोले 2 मंथ्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है, जो कोराइन लेयर हमने पढ़ी थी वो क्या है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रियोनिक विलाए बोलते हैं, जो हमारे एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में एंटर कर जाएंगे। तो वो पार्ट यूट्रस का जहां से आपके कोराइन विलाए एंटर कर रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो एक कनेक्शन बन गया है, ये आपका यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जा रहे हैं हमारी कोराइन विलाए के, और यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो, ये पीछे से किससे और कनेक्शन है। तो ये सारा क्या है, अब प्लेसेंटल फॉर्मेशन हो रही है। हमने कोराइन तक ये पढ़ा था, तो 2 मंथ्स में ये जो चीजें हैं ये बहुत थिक होती चली जाती हैं, ये जो आपकी विलाय है ये और डीप इन्वेड हो जाएंगी, आपकी म्यूकोसा लेयर तक चली जाएंगी, और किसके साथ कनेक्शन कर लेंगी, ब्लड के साथ कनेक्शन कर लेगी। तो ये जो सारा टिश्यू बना है यहां से यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है हमने, क्रिप्ट्स ऑफ यूट्रस। तो ये पोर्शन जहां पर आपके ये कोरोनाइक विलाय एंटर कर रहे हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, जो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इनर डीप चली जाएगी ये, जिसे हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसा और ब्लड सप्लाई की, जिससे हमारा ये सारा पोर्शन अब हमारा क्या कहलाया जाएगा, ट्रू प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा फिर थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है एम्ब्रियो को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन क्या है, एक टेम्परेरी प्रोसेस है। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कितने टाइम के लिए रहता है, जब तक गेस्टेशन पीरियड है, जो हमारा ह्यूमन बींग्स में कितना है,
280 डेज का है। तो अब ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू बना है या हम कहे टेम्परेरी मैकेनिकल टिश्यू बना है, इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन किसको? ग्रोइंग फीटस को देना, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन बॉडी फीटस की बॉडी तक पहुंचाने में भी क्या है आपका प्लेसेंटा ही रोल प्ले करेगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट फीटस की बॉडी में बनेंगे वो क्या है, यही प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में आएंगे और वो मदर की बॉडी से बाहर जा सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारा, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। ये अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स बनाएगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडो ट्रॉपिन हॉर्मोन बनता है, ईस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा। ये सारे हॉर्मोन्स हमारा कौन निकाल रहा है? प्लेसेंटा निकाल रहा है, जो किस चीज के लिए एसेंशियल है बच्चे? फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हॉर्मोन्स चाहिए। और ये हॉर्मोन कौन निकाल रहा है? प्लेसेंटा निकाल रहा है। एक और हॉर्मोन निकालता है प्लेसेंटा जो बाद में हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क फॉर्मेशन में। इसको बोलते हैं हम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन निकालता है जो एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क फॉर्मेशन। एक और हार्मोन हमारा प्लेसेंटा निकालता है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या है कि जब हमारा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मदर 280 डेज कंप्लीट कर लेगी, तो उस वक्त बेबी जब फुली डेवलप हो गया तो क्या होगा, हमारे यूट्रस क्या है ब्रॉड हो जाना चाहिए ताकि बेबी क्या आ सके बाहर। रिलैक्सिन हार्मोन काम करेगा वहां पे, जो हमारे किसके ऊपर काम करेगा, हमारे पेल्विक रीजन के ऊपर काम करेगा ताकि वो ब्रॉड हो जाए और बेबी इजीली बाहर आ सके। तो ये सारे हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये सारे हॉर्मोन्स गेस्टेशन पीरियड में कौन निकाल रहा है? आपका प्लेसेंटा निकाल रहा है। बहुत सारे हॉर्मोन निकाल रहा है तो इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी फिटस। जो ग्रोइंग बेबी है मदर की बॉडी में उसको सबसे पहली इम्यूनिटी कहाँ से मिल रही है? मदर बॉडी से मिल रही है। किस फॉर्म में? एंटीबॉडीज की फॉर्म में, IgA की फॉर्म, सॉरी IgG, ए बाद में पढ़ेंगे हम, IgG। ये सबसे पहली इम्यूनिटी हमारी बच्चे को मिलती है फ्रॉम मदर बॉडी। तो ये क्या है, डायरेक्ट जैसी मदर की इम्यूनिटी है वैसी ही बच्चे के अंदर जा रही है। इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ये हम डिटेल जब हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो डायरेक्ट जो मदर की इम्यूनिटी है वो एज सच बच्चे में जो पास ऑन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज IgG की फॉर्म में, ठीक है। छठा फंक्शन है इट स्टोर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल की क्या है, स्टोरेज शुगर होती है। जब तक बच्चे का फुली डेवलप लिवर नहीं प्रोड्यूस हो जाता, लिवर फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाती फीटस में, तब तक प्लेसेंटा क्या है, ग्लाइकोजन को स्टोर भी करता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू दी एम्ब्रियो, ठीक है। सेवेंथ क्या है, इट एक्ट एज ए बैरियर फॉर टॉक्सिन। जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं आपके, जैसे ड्रग्स की बात करें या हम टबैको की बात करें, दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा। तो वो बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह काम करेंगे ताकि बच्चे के ऊपर उसका असर ना हो सके। तो ये सारे हमने फंक्शंस देखे किसके, प्लेसेंटा के। नेक्स्ट हम, तो प्लेसेंटा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है बच्चे, इट एक्ट एज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड दी फिटस। तो कुछ पार्ट तो क्या होता है,
मदर की बॉडी से आ रहा है प्लेसेंटा का, और कुछ पार्ट क्या है फिटस से आ रहा है। तो प्लेसेंटा कंटेन बोथ टिश्यूज, मेटर्नल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब प्लेसेंटा से डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे बेबी का विद मदर बॉडी, बट देयर ब्लड्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ब्लड नहीं कभी कॉन्टेक्ट में होते। मदर का ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद वो प्लेसेंटा से पास हो रहा है और फिर वो फिटस में जा रहा है। तो मदर का ब्लड इज नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड विद द फीटल ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता दोनों के ब्लड्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या है कि जब मदर अपना गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेती है तो जो फुली मैच्योर बेबी है या हम कहे यंग वन है, जब वो फुल मैच्योर हो जाता है तो वो प्रोसेस जिससे वो बाहर आ रहा है, एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड यंग फ्रॉम यूट्रस, कब? जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो बच्चे का बाहर आने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्टुरेशन। कैसे हुआ कि जब फीटस फुली ग्रो हो जाता है, फीटस फुली ग्रो हो जाता है तो वो एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? फीटस अपने अंदर, अपने ब्लड के अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, कहां से? एड्रीनल ग्लैंड से, जो वाया प्लेसेंटा रीचेस द ब्लड मदर, मदर के ब्लड में रीच हो जाता है, जो वहां से ट्रेवल होता हुआ कहां पहुंचेगा? पिचटरी ग्लैंड ऑफ मदर, और वहां पर एक हार्मोन रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यही हार्मोन रोल प्ले करता है पार्टुरेशन में। तो क्या हुआ कि जब फीटस फुली डेवलप हो गया तो वो एक रिफ्लेक्स भेज रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ वो वहीं से आ रहा है, इसलिए हम रिफ्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम दी फीटल, फीटल से गया, फीटल ने कहां भेजा? वाया प्लेसेंटा मदर के ब्लड में, मदर के ब्लड से कहां गया? पिचटरी ग्लैंड में, और पिचटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन मदर के ब्लड से पास होता हुआ वाया प्लेसेंटा दोबारा वहां पर आ गया, कहां? फीटस में। तो ये क्या है, दोबारा वहीं जहां से चीज स्टार्ट हुई वहीं आ रही है, इसलिए हम टर्म बोल रहे हैं रिफ्लेक्स। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन वहां पहुंचता है इन द प्लेसेंटा, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस मसल, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्शन मसल की मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। उसी मूवमेंट यूट्रस में क्या है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेबर पेन्स बोलते हैं। मदर को दर्द होना शुरू हो जाता है एंड जो बेबी को बाहर पुश करेगा। तो कौन सा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था प्लेसेंटा एक क्या हार्मोन रिलीज करता है? रिलैक्सिन। तो दूसरा हार्मोन जो पार्टुरेशन में रोल प्ले कर रहा है, रिलैक्सिन, जो हमारे पेल्विक रीजन को एक्सपैंड कर देगा, ताकि हमारा यूट्रस का एंड, सर्विक्स और वेजाइना मदर का क्या हो जाए? डायलेट हो जाए, खुल जाए। तो ये सारे प्रोसेसेस होंगे तभी क्या है, बेबी बाहर आ सकता है। तो दो हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? पार्टुरेशन में। एक तो ऑक्सीटोसिन जो मदर की बॉडी बना रही है, पिचटरी ग्लैंड से आया है वो, और वो यूट्रस की मसल्स के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा हार्मोन क्या है आपका? रिलैक्सिन है, जो प्लेसेंटा बना रहा है और वो हमारे सर्विक्स और वेजाइना को डायलेट कर देगा। डायलेट मतलब पहले इतनी ओपनिंग है, अब वो क्या है, इतना खुल जाएगा ताकि बेबी क्या आ सके, बाहर आ सके, ठीक है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारी कंडीशंस में आपने देखा होगा फीमेल्स को पेन्स नहीं होते, पेन्स नहीं हो रहे इसका मतलब उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा? ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा। तो ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा तो पेन नहीं हुए, भले ही उनका क्या हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे केसेस में व्हेन मदर कंप्लीटेड इट हर गेस्टेशन पीरियड, डॉक्टर गिव देम इंजेक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, डॉक्टर्स उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं ताकि यूट्रस में मूवमेंट स्टार्ट हो सके। यूट्रस में मूवमेंट स्टार्ट होएगी तभी क्या है, बेबी बाहर आ सकता है। तो ये जो आर्टिफिशियल
बाहर से हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पेन्स, आर्टिफिशियल लेबर, कि हम बाहर से इंड्यूस करवा रहे हैं पेन्स, नेचुरल रिफ्लेक्स से नहीं हुआ, क्योंकि फीमेल बॉडी कौन सा हार्मोन नहीं बना रही, ऑक्सीटोसिन नहीं बना रही। फिर भी अगर इंडक्शन के बाद भी अगर ऑक्सीटोसिन इतनी कॉन्ट्रैक्शन ना कर पाए कि यूट्रस में फुल मूवमेंट ना हो कि बेबी बाहर आ जाए, ऐसे केसेस में फिर क्या है, सिजेरियन करना पड़ता है, सर्जरी से बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, मदर की बॉडी एब्डोमेन में कट लगाकर बेबी को निकाला जाता है। तो वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस नहीं हुआ। नेचुरल प्रोसेस तो क्या हुआ कि जब बच्चा वाया वेजाइना मदर की बॉडी से बाहर आए, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। जबकि जब क्यों हुआ वो, क्योंकि मदर की बॉडी ठीक अमाउंट में ऑक्सीटोसिन भी बना रहा है और रिलैक्सिन भी। लेकिन जब मदर की बॉडी ऑक्सीटोसिन नहीं बना रही और ना ही आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देने से उसके अंदर क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाए यूट्रस के अंदर, तो ऐसे केसेस में क्या है, बच्चे को वाया एब्डोमिन में कट लगाकर मदर की बॉडी से निकाला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, आपने जर्नली टर्म में सुना होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिजेरियन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन, कि आफ्टर डिलीवरी क्या है, मदर की बॉडी में क्या क्या चेंज हुए। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की बॉडी क्या हो रही है, मेमरी ग्लैंड्स का साइज क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि उनके एल्विओले एक्सपैंड होने लग गए हैं, मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, और जब आफ्टर डिलीवरी मिल्क जो रिलीज होने लग जाता है, तो ये जो सारा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन लैक्टेशन का प्रोसेस क्या हो चुका होता है, स्टार्ट हो चुका होता है, हमारा लैक्टेशन का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो गया। लेकिन क्यों, क्योंकि वहां पर, क्योंकि लैक्टेशन हम क्या कह रहे हैं, सिंथेसिस, दूध का बनना निकलना, ये क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। तो सिंथेसिस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारी मेमरी ग्लैंड साइज में ग्रो करने लग जाती हैं, क्योंकि उनके एल्विओले एक्सपैंड होने लग जाएंगे। इट स्टार्टेड, मेन स्टार्ट कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, बट मिल्क का बाहर आना फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड निपल्स के थ्रू बाहर आना, वो कब होगा, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स के बाद, बच्चे की डिलीवरी की एक दिन हो चुका हो, उसके बाद ही इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। तो हम लैक्टेशन का जो प्रोसेस है दो स्टेजेस में कह सकते हैं बच्चे, एक तो मिल्क का सिक्रीशन, कि हमारी मेमरी ग्लैंड्स में उसका बनना शुरू हो गया है, दूसरा मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन क्या, बाहर निकलना। तो सिक्रीशन में कौन रोल प्ले करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहां काम करेगा, हमारा एल्विओले मेमरी ग्लैंड्स के एल्विओले पे। प्रोलैक्टिन कहां से बनेगा, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर। ऑक्सीटोसिन कब बनेगा मदर की बॉडी में, जब बच्चा निप्पल को सकिंग करने, मदर की ब्रेस्ट को फीड करना स्टार्ट करता है, तो सकिंग होने से क्या होगा, एक इम्पल्स जनरेट होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा मदर की, और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से ही क्या है, निप्पल्स के थ्रू आपका मिल्क बाहर आता है। तो दो प्रोसेसेस हो गए बच्चे हमारे लैक्टेशन में, एक तो सिंथेसिस होना, एक इजेक्शन होना, निकलना। सिंथेसिस में कौन रोल प्ले कर रहा है, प्रोलैक्टिन। एक और हमने प्लेसेंटा का रोल पढ़ा अभी, देखा था उसमें क्या था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी क्या है, मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है हमारा। और दूसरा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये रोल प्ले कर रहा है मिल्क इजेक्शन में आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। क्या होगा, जब बच्चा सकिंग करने लग जाता है तो एक रिफ्लेक्स जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, और मिल्क क्या है, फिर मदर के ब्रेस्ट के से बाहर आता है।
ठीक है। तो जो फर्स्ट मिल्क मदर की ब्रेस्ट से आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम, या क्या बोलेंगे, फोर मिल्क। ये क्लोस्ट्रम क्या होता है, रिच इन एंटीबॉडी IgA। तो यहां से भी बच्चे को क्या है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी। इट इज नॉट अ क्लियर मिल्क, इट इज येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या है, रिच इन प्रोटीन होता है, इसके अंदर कोई भी फैट नहीं होता क्लोस्ट्रम में। इट इज टोटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेनली किसे, एंटीबॉडी IgG, जो हमारे बच्चे को क्या प्रोवाइड करेगा, पैसिव इम्यूनिटी। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, कि ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है ताकि वो क्या हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं बच्चे, जुड़वां बच्चे हम बोलते हैं। वैसे तो इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हमारी ह्यूमन की जो डेवलपमेंट हुई है वो कैसे बनी है, मदर बॉडी हैव ओनली वन फीटस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक फीटस बहुत अच्छे से मदर के वूम में ग्रो कर सकता है, उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी, और आफ्टर बर्थ भी एक बच्चे की देखभाल करना क्या है, आसान है, आप एक हेल्दी बेबी का ग्रोन अप कर सकते हो। तो बाय द एवोल्यूशन क्या हुआ, मदर की बॉडी एक ही फिटस को लेने के लिए तैयार हुई, लेकिन बाय चांस अगर किसी मदर के बूम में एक से ज्यादा बच्चे हों, और वो बच्चे कैसे बने हैं उसके बेसिस पर हम देखते हैं। तो जब वो बच्चे एक ही टाइम पर ग्रो कर रहे हैं तो उनका बर्थ भी क्या होगा, एक ही टाइम पर होगा। तो ऐसे बच्चे जो एक ही समय पर जन्म लेते हैं, टू यंग वंस प्रोड्यूस एट सेम बर्थ या सेम टाइम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। तो ट्विंस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे होते हैं नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नाम ही पता बता रहा है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। आइडेंटिकल कैसे बने, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन जायगोट, एक ही जायगोट से। हमने जब एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था वहां पे हमने मोरूला की एक स्टेज देखी थी जिसमें आठ ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर हमने ये ब्लास्टोमर्स हैं, ब्लास्टोमियर। तो वहां पर हमने एक टर्म करी थी इनडेटरमिनेट। इसका क्या मतलब था कि यहां पर अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि ये एक ही फीटस बनेगा ये या अलग अलग बनेंगे, ये चारों भी एक फिटस बना सकते हैं ये। तो यहां से क्या हुआ, दो फिटस प्रोड्यूस है, यहां से मैक्सिमम आठ फिटस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हर ब्लास्टोमियर के पास कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये चीज कहां से बनी थी, हमने जायगोट किया था, फिर उसके अंदर क्या है, दो डिवीजन हुई थी, फिर क्या हुआ था, चार हुई थी, चार से फिर हमने क्या किया था, आठ। तो एक ही जायगोट से जब क्या है आपके, एक ही जायगोट, जायगोट कैसे बना, एग प्लस स्पर्म की फ्यूजन से, तो ये जायगोट बना था। तो एक ही जायगोट से जब एक से ज्यादा बच्चे बन रहे हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोट। मोनो मतलब सिंगल, एक ही जायगोट से बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। ये भी एक बच्चा बना सकता है, ये भी। तो मैक्सिमम कितने फीटस हो सकते हैं, आठ, या ये चारों मिलकर एक बना दें और ये चारों मिलकर एक बना दे, तो यहां से कितने प्रोड्यूस होंगे, दो। तो जब तक आठ सेल स्टेज में है ये फिक्स नहीं है कि एक ही फीटस बनेगा वूम में या एक से ज्यादा बनेंगे। ठीक है,
दूसरी बात, एक और टर्म आपने देखी होगी, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं कि वो बच्चे जो किसी एक जगह पर आपस में जुड़े होते हैं, या तो हेड टू हेड कनेक्शन होता है, या उनकी आर्म टू आर्म, या स्टमक टू स्टमक, उनका कोई ना कोई हिस्सा शरीर का आपस में जुड़ा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। ऐसा क्यों हो पाया कि जब ये ब्लास्टोमियर में डिवीजन हो रही थी तो दो ब्लास्टोमियर इकट्ठे जुड़कर ही क्या है, अगली स्टेजेस बना रहे हैं। मान लो जैसे मैं ये कह रही हूं कि ये आठ अब नए बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से यहां से जुड़े रह गए हों, तो उनकी डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती रहेगी। तो जब आपका बच्चे किसी एक जगह से आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। तो हमेशा कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं किससे बनेंगे, मोनोजाइगोट से, एक ही जाइगोट से बनेंगे। दूसरा है हमारा नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, जो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब में एग है और हमारा स्पर्म पहुंच रहा है, तो इससे क्या बन गया था, हमारा एक जाइगोट बन गया था। ठीक है, अगर यहां पर दो एग प्रोड्यूस होते, दो एग होते एट ए टाइम, तो क्या है, दो जाइगोट प्रोड्यूस है। तो ये दोनों जाइगोट क्या है, अपनी अलग अलग डेवलपमेंट दिखाएं। तो ऐसे ट्विन्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। मतलब फर्टिलाइजेशन सेम टाइम पर हो गई हो, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ कि दो एग थे हमारे फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी ने एक एग ना निकाल कर क्या बना दिए, दो एग बना दिए। या हमने पढ़ा था कि दो ओवरीज होती हैं, दोनों ओवरीज एक ही टाइम पर एग निकाल रही हो और दोनों ही स्पर्म से फ्यूज हो जाएं, तब भी क्या है, आपके दो जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दो डिफरेंट जाइगोट बने हैं और एट सेम टाइम इनकी फ्यूजन हुई, सेम टाइम पे इनकी इम्प्लांटेशन हुई, तो ऐसे जो आपके बच्चे होंगे वो क्या होंगे, डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है, अब ये अलग स्पर्म से फ्यूज हो रहा है बच्चे, ये अलग स्पर्म से, तो क्या पता ये वाला स्पर्म सेम एक्स एक्स वाला हो, तो दोनों बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगी, फीमेल फीमेल होंगी दोनों ट्विन्स। और अगर मान लो एक एक्स है और दूसरा एक वाई है, तो क्या होगा, वन मेल और वन फीमेल, या दोनों ही वाई वाई वाले हो तो बोथ बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं आपके, वो क्या होंगे, दे मे हैव सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स, बट यहां पर जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिसमें एक ही जाइगोट, अब ये जो स्पर्म था एक्स वाला भी हो सकता है, वाई वाला भी, अगर एक्स वाला है तो यहां से दोनों कैसी बनेंगी, फीमेल्स, अगर वाई वाला है तो दोनों क्या बनेंगे, मेल्स। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर ऑफ सेम सेक्स हमेशा, जबकि दे मे हैव सेम सेक्स और दे मे हैव डिफरेंट सेक्स। तो जब मदर की वूम में एक से ज्यादा फीटस हो, दो हो तीन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे हमने प्लांट्स में किया था, जैसे संतरा है हमारा, वो क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी का है, बहुत सारे उसमें फ्रूट, अब जो फलियां सी जो हम खाते हैं उसके अंदर अलग अलग सीड्स हैं, तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। ऐसे ही मदर की बॉडी में एक से ज्यादा अगर फिटस हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चे, थैंक यू।